Modi ji shin India nwe phwa Myanmar naingan da mya a twi so nok khun set saka pyo cha pe ba yan le myat swa phye garawa shit tha phait kho pan cha a ba de shin. I would like to request you to remain standing as national anthems of both our two countries will be played. The national anthem of India will be played first, and then the national anthem of Myanmar will come later. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please be seated now. May I respectfully invite the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address to the Indian Myanmar community. Your Excellency, please. म्यांमार में रहने वाले मेरे भारतीय और भारतीय मूल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। मिंगलाबा। म्यांमारील उलरा तमिल सहोदरा सहोदरी गळको एन वळक्कम अभी अभी आप सबने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया, ईद मनाई। आप सभी को इन त्योहारों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये त्योहार आपके लिए बहुत सुख समृद्धि और शांति लाएं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू टुडे।
मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल शहर में आऊं, इच्छा थी कि देखूं इस यंगॉन को जो अपनी विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका भारत के साथ सदियों पुराना नाता भी है, और यहां एट दिस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल गेटवे टू द ईस्ट आप लोगों से मिलूं, आप सबसे जिन्होंने भारत और म्यांमार दोनों देशों को अपने दिलों में समेटा हुआ है। मैं यहां अपने सामने एक लघु एक मिनी इंडिया के मैं दर्शन कर रहा हूं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं हम आप लोग, एक महान राष्ट्र के दिल में एक दूसरे महान राष्ट्र की धड़कन के रूप में जी रहे हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे और भी खुशी हो रही है, क्योंकि आपके रूप में मैं एक ही जगह उन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को देख रहा हूं जिन्हें गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और इरावदी जैसी उदार माताओं ने अपने आंचल में पाला है। यू रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ द शेयर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। हजारों वर्षों से भारत और म्यांमार की सिर्फ सीमाएं ही नहीं बल्कि भावनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में म्यांमार को ब्रह्मदेश या भगवान ब्रह्मा की धरती भी कहा जाता है। साथियों, ये वो पवित्र धरती है जिसने बुद्ध को सहजा है, उनकी शिक्षाओं को संवारा है। यहां के बौद्ध ग्रंथों और भिक्षुओं ने हिंदुस्तान के कोने कोने में भारत के सभी राज्यों के साथ सैकड़ों साल से भी ज्यादा एक अटूट रिश्ते को पाला पोसा है, जिसमें न केवल धर्म बल्कि पाली भाषा, साहित्य और शिक्षा भी शामिल रहे हैं। भारत को और विश्व को म्यांमार की पुण्य भूमि ने स्वर्गीय गोयनका जी के माध्यम से विपासना का उपहार दिया है, और मुझे खुशी है कि उनके सुपुत्र आज हमारे बीच है। म्यांमार में भी आज भी रामायण को यावा के नाम से पेश किया जाता है। विद्या की देवी सरस्वती को आप लोग थयुथड़ी के नाम पर से पूछते हैं, और शिव को परमिज्वा, विष्णु को विथानो कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बिना म्यांमार को नमन किए बिना पूरा कभी नहीं हो सकता है। ये वो पवित्र धरती है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने
गरज करके कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनका यह नारा सुनकर भारत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले हजारों लाखों नौजवान और युवतियां अपनी जान की परवाह किए बिना भारत में और भारत के बाहर आजाद हिंद फौज को सहयोग देने के लिए चल दिए थे और मुझे भी आज उस आजाद हिंद फौज के कुछ उस समय के जिनकी जवानी लगाई थी अब तो काफी बुजुर्ग हुए उनके दर्शन का उनके आशीर्वाद का मुझे आज यहां पर सौभाग्य मिला जब नेताजी ने यहां आजाद हिंद सरकार का ऐलान किया तो और भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी यह वो पवित्र धरती है जहां की मांडले जेल में 6 साल कैद रहते हुए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य की रचना की थी यह वो पवित्र धरती है जहां पर महात्मा गांधी लाला लाजपत राय गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महामानवों ने कई बार इनके चरण इस पवित्र धरती पर पड़े थे जब विदेशी ताकतों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीर सपूतों को अपना घर छोड़ना पड़ता था तो म्यांमार ही उनका दूसरा घर बन जाता था ১৮৫৭ के पहले स्वतंत्र संग्राम के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन भी इसी धरती पर मिली थी मैं जब भी किसी देश में जाता हूं तो भारतीय समुदाय से मिलकर के उनके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिलता है पिछले दिनों जब मैं श्रीलंका की यात्रा के दौरान जाफना गया तो ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाफना गया वहां मैं तमिल मूल के लोगों से मिला उनके लिए भारत की सहायता से बनाए घर उन्हें सौंपने का सौभाग्य भी मुझे मिला इस साल मई में जब दोबारा बुद्ध पूर्णिमा के समय मुझे श्रीलंका जाने का अवसर मिला इंटरनेशनल समारोह में भाग लेने के लिए मुझे निमंत्रण मिला था तब मैं सेंट्रल श्रीलंका के तमिल भाई बहनों से भी मिला वहां भारत की मदद से बने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के बाद हजारों लोगों ने आकर मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता मेरे तमिल भाइयों ने श्रीलंका की धरती पर इतना प्यार दिया मैं सऊदी अरेबिया में गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो या केनिया में किसान और व्यापारी हो या सिलिकॉन वैली में सीईओज हो विदेशों में रह रहे भारतीयों और इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिलकर मुझे अपनापन महसूस होता है एक प्रकार से ये हमारे सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं आप सब हमारे राष्ट्रदूत हैं और आप पर गर्व भी होता है कि जहां आप रहते हैं आपने वहां डेवलपमेंट और हार्मनी को तो बढ़ाया ही है आपने अपने भारतीय संस्कार और मूल्य भी संजो करके रखे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है यूनाइटेड नेशंस में 3 साल पहले भारत के इनिशिएटिव पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड सपोर्ट के साथ पारित हुआ पिछले 3 साल से दुनिया भर में 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर
व्यापक रूप से मनाया जा रहा है और जब योगा की बात आती है तो भारत का स्मरण स्वाभाविक होता जा रहा है. दिस ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ योगा इज योर अचीवमेंट बिकॉज इट वॉज टेकन टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. आपका भारत से बॉन्ड सिर्फ भावनात्मक नहीं है, आप भारत के विकास से भी ठोस रूप से जुड़े रहे हैं. अनेक प्रवासी भारतीय अब भारत के विकास में सहयोग दे रहे हैं. वे अपने या अपने पुरखों के स्टेट्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे हैं. युवा वर्ग तो और भी अधिक एक्टिव है, न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से रेगुलर एंगेजमेंट है बल्कि भारत के बारे में जानने की उनकी इच्छा भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और अधिक स्ट्रांग होती जा रही है. गत वर्ष हमने प्रवासी यूथ के लिए नो इंडिया भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, क्विज कंपटीशन, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. और मुझे यह जानकर के खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इसमें लगभग 100 देशों के प्रवासी भारतीय युवाओं ने हिस्सा लिया. यानी वो देश जहां पर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इंडियन बच्चे हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया. व्हेन आई मीट यू आई ऑल्सो फील दैट कम्युनिकेशन ऑफ अवर पीपल लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज with government authorities in India is not a one-way traffic anymore. यहां आने से पहले मैंने आप लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सुझाव मांगे थे. मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव मुझे भेजे हैं और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं. मेरी सरकार के पहले दिन से ही प्रवासी भारतीयों का वेलफेयर ये हमारी प्रायोरिटी में है. ओसीआई और पीआईओ स्कीम्स को मर्ज करना, लॉन्ग टर्म वीजा वालों को पुलिस रिपोर्टिंग से मुक्ति दिलाना, पासपोर्ट मिलने में आसानी होना, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का उचित और एफिशिएंट प्रयोग, प्रवासी भारतीय दिवस को री एनर्जाइज करना और विश्व के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, ऐसे अनेक कदम हमने प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताओं और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उठाया है. और मैं नहीं समझता कि किसी अन्य देश के विदेश मंत्री विदेश में बसे या फंसे अपने देश के लोगों के दुख दर्द को लेकर इतने एक्टिव है जितनी कि भारत के हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है. पूरी दुनिया में किसी भारतीय नागरिक को या भारतीय मूल के प्रवासी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिना हिचक वे सुषमा जी से ट्विटर पर संपर्क करते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है. मेरा भी यही संदेश है आप सब लोगों को कि पासपोर्ट की समस्या हो या वीजा की या परदेश में लीगल असिस्टेंस की, भारत की एम्बेसी के दरवाजे भारतीय समाज के लिए 24/7 365 डेज खुले हैं. साथियों, भारत को आज दुनिया में सम्मान की निगाह से देखा जा रहा है तो उसका कारण उसका कारण आप हैं. आप भारत के सच्चे राष्ट्रदूत हैं.
और उसका कारण यह है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. वी आर नॉट मेयरली रिफॉर्मिंग अवर कंट्री, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. वी आर नॉट मेयरली चेंजिंग इंडिया, वी आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया. वी सेलिब्रेटेड 70 years of India's independence last month. After 5 years, in 2022, it will be 75 years of India's independence. We have pledged to build a new India by the time independent India turns 75 years. हमने संकल्प किया है कि हम गरीबी मुक्त, आतंकवाद मुक्त, कम्युनलिज्म फ्री, जातिवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, क्लीन इंडिया बनाएंगे और बना करके ही रहेंगे. मैं आपसे भी यही कहूंगा कि न्यू इंडिया वेबसाइट पर आप भी इस महामिशन में शामिल हो. साथियों, मेरा मानना है कि 19वीं सदी की डिजाइन पर 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता. और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना और रेल नेटवर्क बिछाना ही नहीं होता. 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार हर वो चीज है जो लोगों को आधुनिक तकनीक से कनेक्ट करे, उनकी जिंदगी में बदलाव लाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाए, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज भारत में चल रहा है. आज भारत में रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट पर जितना निवेश किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया. देश की हर ग्राम पंचायत का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर जोड़ने का काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है. समंदर के किनारे बसे शहरों और पोर्ट्स को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है. मैं समझता हूं कि इन प्रयासों से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नया इंफ्राकल्चर भी विकसित होगा और उसका एक और अभिन्न हिस्सा होगा एग्रीकल्चर. हमारी सरकार भारत के किसानों की आमदनी डबल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है. इसके लिए बीज से बाजार तक हम अनेक कदम उठा रहे हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, कोल्ड स्टोरेज चेन, ढेर सारी बातें मैं गिना सकता हूं. ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन की तरह हम सब ग्रीन रिवॉल्यूशन से परिचित हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन से परिचित है, लेकिन अब दो और रिवॉल्यूशन के भी पर भी हमारा बल है. एक है ब्लू रिवॉल्यूशन और दूसरा है स्वीट रिवॉल्यूशन. जब मैं ब्लू रिवॉल्यूशन कहता हूं तब सिर्फ मछुआरों के लिए भला वैसा नहीं, सामुद्रिक सामर्थ्य का भी एक नया युग आरंभ हुआ है. उसी प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मधुमक्खी पालन से भी शहद के द्वारा बहुत बड़ी आय की भी संभावनाओं को हम तराश रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. साथियों, हम देश के हित में बड़े और कड़े
देश के हित में हम बड़े और कड़े फैसले लेने से जरा भी घबराते नहीं हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हमारे देश सब कुछ है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी या जीएसटी, इस सरकार ने देश के हित में हर फैसला बिना किसी डर या संकोच से लिया है। जब अर्थव्यवस्था और उसको काले धन और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता हुई तो 1,000 और 500 रुपये के नोट बंद करने का फैसला भी हम ले पाए। मुट्ठी भर कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की कीमत अब देश के 125 करोड़ लोग उठा रहे थे, ये हमें मंजूर नहीं है। बेईमानी के पैसे की ये ताकत थी कि वो कहां से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, ये कागज पर नजर नहीं आता था। काले धन का कोई एड्रेस नहीं होता है। साथियों, नोटबंदी के बाद अब ऐसे लाखों लोगों के बारे में पता चला है जिनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपये जमा है लेकिन उन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। ऐसी लाखों कंपनियों का भी पता चला है जो सिर्फ काले धन को इधर से उधर करने का ही काम कर रही थी। सिर्फ 3 महीने में, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के संतोष होगा, सिर्फ 3 महीने में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। अभी 2 महीने पहले ही देश में जीएसटी लागू किया गया है। मैं जीएसटी को सिंपल भाषा में गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं। जीएसटी से भी देश में ईमानदारी के साथ कारोबार करने का नया कल्चर पैदा हो रहा है। जितने व्यापारी पिछले 6 साल में देश के टैक्स सिस्टम से नहीं जुड़े थे, उतने जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 2 महीने में जुड़ चुके हैं। जो काम 6 साल में होता है वो सिर्फ 60 दिन में हो जाए, ये अपने आप में काम कैसे हो रहा है उसका उदाहरण है। पिछले 3 वर्षों में भारत में परिवर्तन के एक बड़े दौर की शुरुआत हुई। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है, सिंप्लीफाई किया जा रहा है, कानून बदले जा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नियम सरल किए जा रहे हैं। देश के लोगों में ये भरोसा लौटा है कि भारत बदल सकता है, आगे बढ़ सकता है। दशकों पुरानी जिन बुराइयों ने भारत को जकड़ करके रखा है उनसे अब भारत मुक्त हो सकता है, ये भरोसा देशवासियों में पैदा हुआ। साथियों, भारत अपने विकास का लाभ सिर्फ खुद तक नहीं रखता। अगर हमारे पास जो है उसे हम मिलकर बांटकर खाएं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अफ्रीका हो या साउथ एशिया या पैसिफिक आइलैंड्स,
हमारी क्षमताएं हमारा अनुभव हम सभी डेवलपिंग देशों के साथ खुले मन से शेयर करते हैं 2014 में मैंने साउथ एशियन सैटेलाइट का वायदा किया था और इस साल हमने इसे लॉन्च कर दिया है भारत का ही नहीं सभी पड़ोसी देश जो इससे जुड़े हैं उन्हें भी इस सैटेलाइट का लाभ मिल रहा है नेचुरल डिजास्टर या किसी अन्य प्रकार की क्राइसिस के समय भी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहे हैं न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि हर किसी के लिए जिसकी हम सहायता कर सकते हैं हमने करने में पहल की है प्रयास किया है और जब हम ऐसी मदद करते हैं तो हम कभी पासपोर्ट का रंग नहीं पूछा करते हैं नेपाल में भूकंप आया मालदीव में अचानक पानी की समस्या आ गई फिजी के अंदर समुद्री तूफान आ गया पश्चिम एशिया में हिंसा के इलाकों में हजारों भारतीयों और विदेशियों का इवैक्यूएशन की बात हो म्यांमार में साइक्लोन के बाद राहत और रिहैबिलिटेशन के लिए सहायता करने में हमने एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाया साथियों वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली यह विचारधारा हमारी परंपरा है और हमें इस पर गर्व है यह हमारी रगों में है आज सारी दुनिया भारत को थॉट लीडर के रूप में पहचानने शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नई पहल हो या ब्रिक्स की अगले 10 वर्षों की गोल्डन डेकेड की विचारधारा आज भारत की आवाज विश्व में सुनाई देती है गुंज सुनाई देती है एक नए प्रकार का भरोसा है विश्व को भारत के प्रति एक नई आशा जगी है भाइयों और बहनों भारत उत्तर पूर्व के राज्य को साउथ ईस्ट एशिया को गेटवे मानता है और इस गेटवे का दरवाजा म्यांमार की तरफ ही खुलता है और इसलिए भारत इस गेटवे को जोड़ने वाली सड़कों पर तेज गति से काम कर रहा है कुछ महीनों पहले 1600 करोड़ रुपए के इम्फाल मोरे सेक्शन को अपग्रेड करने का काम हमने मंजूर कर दिया है मोरे में एक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के बाद मणिपुर और म्यांमार के बीच व्यापार और लोगों का आना जाना भी आसान हो जाएगा हमने सितवे पोर्ट तथा पलेवा इनलैंड वाटर टर्मिनल पर काम पूरा करके कलादान प्रोजेक्ट में निरंतर और प्रत्यक्ष प्रगति की है रोड कंपोनेंट पर काम शुरू हो चुका है मुझे कोई संदेह नहीं कि यह ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आसपास के क्षेत्रों को डेवलपमेंट कॉरिडोर में बदल के ही रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है अपर म्यांमार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से हाई स्पीड डीजल ट्रकों द्वारा आना शुरू हो चुका है हम बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट तथा मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट संपन्न करके तथा पावर और एनर्जी ट्रेडिंग को और अधिक बढ़ावा देकर आपसी सहयोग को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं हमने अपने डेवलपमेंट कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया है उस पर
आज भारत को गर्व है, नाज है। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव हम म्यांमार के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे पीपल टू पीपल तथा सोशियो कल्चरल संबंध हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इन्हें मजबूत करने के लिए हमने भारत आने के इच्छुक म्यांमार के सभी नागरिकों को ग्रेटिस वीजा देने का निर्णय कर लिया है। हमने म्यांमार के 40 मछुआरों को रिहा करने का निर्णय भी कर लिया है जो इस समय भारत की जेलों में बंद है। हम आशा करते हैं कि वे जल्द ही म्यांमार में अपने परिवारों से फिर से मिल पाएंगे। आज मैं बागान में आनंद टेंपल गया था। आनंद टेंपल एवं अन्य ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इमारतों में पिछले साल के भूकंप से हुए नुकसान के बाद भारत के सहयोग से रिनोवेशन हो रहा है। भारत और म्यांमार के बीच इतने ऐतिहासिक संबंध है कि उनकी जानकारी एक बहुत बड़ा विषय है और मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जानकारी रहनी चाहिए। इस संबंध में मिलकर रिसर्च के प्रयास होने चाहिए। मैंने यहां अपनी बातचीत में सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, INA मेमोरियल का सर्वे हम एक साथ कर सकते हैं, एक जॉइंट हिस्ट्री प्रोजेक्ट की स्थापना की जा सकती है। इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और मजबूत होंगे। मुझे आपको बताते खुशी है कि हमने नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर OCI देने का निर्णय ले लिया है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्कॉलरशिप की संख्या में बढ़ोतरी करने का भी फैसला भारत सरकार ने कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि भारत और म्यांमार के रिश्तों का आधार 5B है। 5B यानी कि बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम और बर्माटिक। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बी छूट गया है और यह बी है भरोसा। भारत और म्यांमार का एक दूसरे पर भरोसा, इस भरोसे की बुनियाद सैकड़ों वर्षों में मजबूत हुई है और समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास के जिस मंत्र पर हमारी सरकार चल रही है वो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। सबका साथ यानी हर देश का साथ, सबका विकास यानी हर देश का विकास। भारत विकास के कार्यों में म्यांमार के साथ साथ चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको फिर नमन करता हूं। आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए देश की बातें सुनने के लिए देश के साथ लगाव के कारण देश के साथ जुड़ने के इरादे से इतनी बड़ी तादाद में आप आए मैं फिर एक बार हृदयपूर्वक आपका आभार व्यक्त करता हूं इस धरती को नमन करता हूं आप सबको नमन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, Prime Minister Shri Narendra Modi is leaving the stadium. I would request all our community members to remain seated till the departure of his carcade, following which the gates will close open for general public. I'm sorry for the inconvenience. He'll come. The way to out is here. Nobody. Namaskar. I cannot come. I'll take your picture. ये आईडिया भी ठीक है भाभी जी आपका राजीव कम है इज कमिंग हियर ना प्लीज आइए आइए राजीव जी अभी घुस जाइए अभी देखा नहीं अभी देखा जाएगा आगे अभी इनका स्टैंड पड़ा है स्टैंड को हटा दो थोड़ा उसको पीछे हटाओ राजीव आ जाओ ही शेकिंग है सर एक सेकंड इधर एक मिनट इनको आना Oh brother. Cannot make it. Yeah. You take this time. Sorry. Can I take this? เนี่ยไทม์เปเปิ้ลI request everyone to return to their seats. I would request all our community members to remain seated till the departure of his carcade. Oh, I'm not washing the sand.